आज 4 मार्च 2024 नेशनल सेफ्टी डे और नेशनल सेफ्टी डे के आज के अवसर पर हमारे सभी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स, सुमेय विद्यावर कैंपस, सभी फैकल्टी, प्रिंसिपल मैडम और इनके गाइडलाइंस से हम आज ये फायर एक्सटिंग्विशर डेमोन्स्ट्रेशन करने का प्लान किया है और आप सब लोग यहाँ पे आए इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ प्रिंसिपल मैम हैं, उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि मैम आप जो शब्द बता रहे हो। मॉर्निंग एवरीवन, एज यू ऑल नो टुडे इज द नेशनल सेफ्टी डे March 4, 2024। सो ए स्मॉल इवेंट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन द इंस्टीट्यूट बाय आवर मैनेजमेंट एंड बाय रोहन होमकर सर। So to inform the importance of safety to all of you, I hope that you will watch it carefully and you will understand the importance of safety. Thank you. Thank you, ma'am. When we talk about safety, we are focusing on two things. One is unsafe condition and second is unsafe act. But accidents are those who are unplanned, undesired, and we all are getting some kind of losses, or we can say many types of losses because of the accident. When we talk about the fire, fire is basically the reason for all of our innovation, right? Fire ki wajah se hamara jo human race ka innovation jo hai wo chalu hua tha, but agar wahi energy uncontrolled way mein hai to wo disastrous hai, वो बहुत सारा नुकसान हमारा कर सकता है। तो फायर का बेसिक साइंस से हम आज शुरू करेंगे। आज हमारे साथ है महेश जी, जस्ट क्लैप फॉर हिम। कैंपस एंड ही इज गोइंग टू डेमोन्स्ट्रेट यू, इनलाइटन यू फॉर हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर्स, बिकॉज वी सी दिस फायर एक्सटिंग्विशर्स एट मेनी प्लेसेस, बट हाउ टू यूज देम we may be knowing, but today we are going to learn it by doing. Are you all ready? Awesome. And definitely come out of your comfort zone so that you can try this fire extinguisher method by yourself. How many of you would like to participate? Just raise your hand. Awesome, awesome. जब भी हम फायर की बात करेंगे तो फायर ट्रायंगल को हमें भूलना नहीं चाहिए। What is the word? तो जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया में इन्वेंट हुए हैं, उसमें किसी ने ऑक्सीजन को दूर किया है, किसी ने फ्यूल को दूर किया है और किसी ने इग्निशन एनर्जी को दूर किया है। ये जब आप बेसिक चीज समझ आएगा आपके, तो जब फायर इंसिडेंट्स में अगर आप फंस गए, आप किसी को हेल्प करना चाहते हो, तो आपके पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन आप वहां पर यूज कर सकते हो। कई कबार ऐसा भी होता है जहां पर ये सारे इक्विपमेंट सिस्टम्स अवेलेबल नहीं रहते और उस समय पर ये बेसिक जब आप यूज करोगे तो आप फायर इंसिडेंट से खुद को और अपने प्रियजनों को बचा सकते हो। यहां तक सबको क्लियर है? एवरीवन ओके। सो मैं महेश जी को अभी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये फायर एक्सटिंग्विशर का जो डेमो है, डेमोन्स्ट्रेशन है, वो शुरू किया जाए। इसके लिए हम पहले एक डेमो फायर यहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करने का एक सिस्टम होता है, सीक्वेंस होता है, वो महेश जी आपको पहले बताएंगे और उसे प्रैक्टिकली किया जाएगा। आपको जब ये कर रहे हैं तभी आपको उसे ऑब्जर्व करना है और आप में से कोई वॉलंटियर है जो बनना चाहता है कि मैं आपके खुद फायर को एक्सटिंग्विश करना चाहता हूँ, मैं खुद करके सीखना चाहता हूँ, तो उनका भी वेलकम है यहाँ पर। बट पहले आप हैंड रेस करो जिसको जिसको आना है, सो दैट यहाँ पे कियोस ना हो, पैनिक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपके लिए चालू है सर। ओके, तो बेसिक स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज फायर? आग क्या होती है? किसको पता है यहाँ पर आग क्या होती है? और जैसे आपका फायर है, जैसे जितनी जितने एरिया में आग लगी हुई है तो पूरे एरिया में वो कवर करना है, क्योंकि सबको मतलब जितने भी एरिया में आग लगे सारा कवर होगा फिर तभी आग रुकेगी, क्योंकि ऑक्सीजन पूरा एरिया का कट ऑफ होना चाहिए। ओके, क्योंकि सिर्फ ज्ञान होना जरूरी नहीं है,
ज्ञान उस सही समय पे यूज करना, वो यूज करने का स्किल हमारे पास होना ये भी जरूरी है। गिराना नहीं है। आई होप कि ये इंफॉर्मेटिव सेशन था, ये आज सेशन आपके लिए ऑर्गेनाइज किया गया, आपने इसे देखा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे उसे डूइंग करके सीखा, कुछ लोग पीछे डिस्कशन कर रहे हैं कि इसको कैसे यूज करें, बट सेफ्टी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जैसे ये लर्निंग बाय डूइंग होता है, वैसे ही लर्निंग बाय विजुअल्स भी होता है। तो व्हाट इज दिस, कि अगर आपको एक चीज हर दिन दिखाई दे तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उसे प्राइमिंग कहते हैं। व्हाट इज अ वर्ड? प्राइमिंग। सो प्राइमिंग ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड करने के लिए ये इंडस्ट्रियल सेफ्टी अवेयरनेस पोस्टर को डिजाइन किया है। अब ये मैं पोस्टर से इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये आज का जो नेशनल सेफ्टी डे का सेलिब्रेशन जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, उसका एक और पार्ट हमारे एजेसोमिया पॉलिटिक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट एंड यू आल्सो टू बी पार्टिसिपेटिंग इन दिस।